मैं डॉक्टर मुकेश पीएचसी बरार से बात कर रहा हूँ और मेरे पास में बैठे हैं हनुमानगढ़ की पेशेंट है श्रीमती ओम कंवर। इनको करीब 20 दिन पहले जलोका चिकित्सा का प्रयोग करवाया गया था जो जानुशूल के ऊपर है। आइए जानते हैं अपन इन्हीं से कि इनको क्या महसूस हो रहा है। ठीक है जी। अच्छा। आप जब मेरे पास में आए थे तो आपको क्या क्या तकलीफें महसूस हो रही थी? बहुत तकड़ी हो रही, अब मेरे से बहुत अच्छी। और परेशानी क्या महसूस करते? चलने फिरने में दिक्कत होती थी या उठने बैठने में भी दिक्कत होती थी आपको? चलने में बहुत जिगत हो रही। और अभी क्या महसूस कर रहे हैं आप? अब अच्छी तरह से पग मोड़ रही हूँ, अच्छी तरह से सो रही हूँ, चल रही हूँ। पहले कोई दर्द के लिए गोलियाँ खाते थे क्या आप? हाँ खाती मैं तो। और अब अभी भी खानी पड़ रही है? अब नहीं खाई है। कितने दिन हो गए दर्द की गोली खाए हुए? जलोक लगाए बाद में नहीं खाई है। अच्छा खाई नहीं है। और अभी दर्द के अंदर कितना आ गया? अभी क्या लगता है आपको कि दर्द में ठीक है या और आवश्यकता लग रही है? अच्छा है अभी, ठीक है। अच्छा और क्या महसूस कर रहे हैं अभी? कोई हल्कापन लगा उससे या कोई परेशानी आई जलोक लगाने के बाद? आपको कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की? घबराहट नहीं आई मेरे तो, न घबराहट हुई न कोई जगह आई, सारा मिल रहा है मेरे को, सारा मिल रहा है। तो आप अपने जैसे मरीजों के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि भाई क्या करना चाहिए? अगर दुख होता है जिसको घुटने में दर्द होता है तो उसकी कितनी पीड़ा होती है, आप जो अनुभव किया है उसको आप क्या कहेंगे लोगों के लिए कि क्या करना चाहिए? अच्छी बात कहूंगी भी मेरे शरीर में बहुत अच्छा काम मिले है, सारा मिले है, सोने के लिए मिले है, चलने के लिए मिले है, मन तो आराम मिले। चलो वाह, धन्यवाद। तो ये थी श्रीमती ओमपति जिन्होंने जोग चिकित्सा से लाभ लिया और अभी इनको एक बार और प्रयोग करना चाहिए ताकि ये 100% ठीक हो सके। धन्यवाद।